अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर हॉल darkblogspot.com में खुश आमदी। इन पेज की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 10 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज ग्रिड गाइड एंड रूलर इन उर्दू इन पेज। यानी कि उर्दू इन पेज में हम ग्रिड गाइड के मतलब के जो हमारा ये टूल्स हैं इनको हम किस तरह से इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और रूलर की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो इन पेज को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो रूलर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो इनका मतलब कि इंचज़ वगैरह शो हो रहे हैं, अगर हम इनकी सेटिंग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आएंगे एडिट के बटन पे और एडिट के बटन में प्रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट में आने के बाद यहाँ पर हम अपना रूलर चेंज कर सकते हैं। अभी ये मिलीमीटर्स में है तो हम चाहें तो इसे इंचज़ में भी ले सकते हैं ताकि हमें आसानी हो, विकास में, पॉइंट्स में या सेंटीमीटर्स में, जिस तरह से भी आप चाहें आप इन्हें मतलब कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे इंचज़ में कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये देखिए हमारे पास रूलर जो है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम जो मतलब कि अल्फाज टाइप करते हैं उर्दू में उनके दरमियान जो करेक्टर्स हैं, करेक्टर मतलब कि जो हरूफ हैं, हरूफ के दरमियान फासला कितना होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जाहिर, सॉरी जाहिर टाइप किया तो यहाँ पर हमारे पास मैं आप पहले मैं इसका साइज़ इंक्रीज करूँ ताकि आपको वाजह तौर पर नज़र आ सके, ठीक है। ज़े, अलिफ, हे और दाल इन ये करेक्टर्स हैं, हरूफ हैं, इनके दरमियान जो फासला है वो आप कितना रखना चाहते हैं हरूफ के दरमियान फासला, वो हम यहाँ पर यहाँ से करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आएंगे और यहाँ पर हमारे दरमियान करेक्टर्स का फासला हमारे पास मैंने से वो मौजूद है, यहाँ से हम उन्हें मदद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास ग्रिड गाइड, यानी कि हम ग्रिड गाइड जो इनको हम किस तरह से इन पर काम कर सकते हैं। गाइड मतलब कि हमें वो मतलब कि मदद फ्राहम करते हैं, उनकी मदद से हम आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जैसे ही मैं रूलर के ऊपर कर्सर को लेके आ रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका जो साइन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमें क्लिक करूँगा और ड्रैग करते हुए यहाँ पर मैं जहाँ कहीं चाहूँ एक लाइन वो मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें एक और लाइन ले लेते हैं। तो ये मैंने मतलब कि एक गाइड तैयार किया, मतलब कि मैं अगर कोई निशान डे करना चाहूँ तो इसकी मदद से मतलब कि मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक मतलब कि यहाँ पे रूलर से मैं एक लाइन उठा लेता हूँ और यहाँ से भी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर एक मतलब कि एक बॉक्स तैयार करना है तो इनकी मदद से मैं यहाँ पर मतलब कि एक शेप बना सकता हूँ, ठीक है। इनकी मदद से इनके मुझे साइज़ जो है वो मतलब कि तैयार करने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक मतलब कि शेप वो तैयार कर लिया। मज़ीद अगर हम चाहें तो मतलब कि हम यहाँ पर पूरे पेज के ऊपर अगर हम मतलब कि एक ग्रिड मतलब कि लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। यहाँ आएंगे फॉर्मेट के बटन पे और यहाँ पर हमारे पास बटन मौजूद है गाइड्स का, गाइड्स के बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ग्रिड पर। ग्रिड पे क्लिक करने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप मतलब कि यहाँ पर फरमाइश दें कि आपको कितने फासले में ग्रिड चाहिए और ओके कर दें। यहाँ से भी आप मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मतलब कि आप साइज़ जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ से 5.5 ले लेता हूँ और यहाँ से भी मैं 5.5 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास तमाम पेज के ऊपर जो गाइड्स हैं वो नमूदार हो गई हैं जी। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक भी मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।